हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर रेक्टेंगल के इनर साइड या आउटर साइड कोई पाथ बन रहा है या फिर मिडल से कोई पाथ बन रहा है, उसका एरिया फाइंड करना हो तो किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहला केस जो है, इसमें बोला गया है पाथवे रनिंग अक्रॉस द मिडल ऑफ द रेक्टेंगल। अब जो पाथ जो बनेगा इसमें मिडल से बनेगा रेक्टेंगल के, ठीक है। और हमारे पास जो रेक्टेंगल की लेंथ हमें गिवन होगी, जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट करा है, और ब्रेथ किससे रिप्रेजेंट करा है, बी से। और जो पाथ है उसकी जो चौड़ाई है वो किससे रिप्रेजेंट करनी है, डब्लू से, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा एल प्लस बी माइनस डब्लू इंटू डब्लू। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, वो एरिया ऑफ पाथ का हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। हमारे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फिगर दे रखी है, जिसमें लेंथ दे रखी है 50 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 30 मीटर, और जो मिडल में पाथ बन रहा है उसकी चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। तो हमें इस पाथ का एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं, लेंथ हमारे पास जो है वो है 50 मीटर, और ब्रेथ जो है वो हमारे पास 30 मीटर है, और जो पाथ की चौड़ाई है जिसको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कितना दे रखा है, 5 मीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ पाथ। तो एरिया ऑफ पाथ का जो फॉर्मूला होगा इस केस में, एरिया ऑफ पाथ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल प्लस बी माइनस डब्लू इंटू डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, लेंथ हमारा कितना है, 50 मीटर है, ब्रेथ हमारा 30 मीटर है, माइनस डब्लू हमारा कितना है, 5 मीटर इंटू 5, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस 5, 75 मीटर इंटू 5 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35 और 2 37। तो 375 मीटर स्क्वायर जो है वो इस पाथ का एरिया होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारा जो पाथ है रेक्टेंगल के बाहर की साइड बन रहा हो तो एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला होगा वो होगा एल प्लस बी प्लस टू डब्लू इंटू टू डब्लू। अब डब्लू क्या है हमारा, डब्लू हमारा जो पाथ है उसकी चौड़ाई है, ठीक है। एल हमारा लेंथ है रेक्टेंगल का और बी ब्रेथ है। तो इस केस में अगर एरिया ऑफ पाथ निकालना हो, रास्ता अगर बाहर की साइड बन रहा हो आउटर साइड, तो उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है इसमें बोला है, अ 3 मीटर वाइड पाथ रन्स आउटसाइड अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 125 मीटर एंड ब्रेथ 65 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। अब हमें इसमें बोला है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी थी, 125 मीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी थी, 65 मीटर, ठीक है। और ये जो पाथ है इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है, यहाँ पर 3 मीटर, तो हर साइड से 3 मीटर है, तो इसकी जो ये चौड़ाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ हो गई, हमारे पास लेंथ हो गया, एल हमारे पास है 125 मीटर, और ब्रेथ कितनी दे रखी है, 65 मीटर, और जो पाथ है उसकी चौड़ाई कितनी है, डब्लू जो है हमारे पास वो है 3 मीटर। अब रास्ता हमारा बाहर की साइड बन रहा है, तो एरिया ऑफ पाथ का जो फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ उसका जो, तो एरिया ऑफ पाथ का जो फॉर्मूला हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा हमारा एल प्लस बी प्लस टू डब्लू इंटू टू डब्लू, ठीक है। एल हमारा लेंथ है, बी ब्रेथ है, और डब्लू क्या है, जो पाथ की चौड़ाई दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो L हमारा कितना है, 125, B हमारा है 65, और W कितना दे रखा है, तो 2 इंटू 3 हो गया, और बाहर आ जाएगा 2 इंटू 3। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना हो जाएगा, 125 प्लस 65 हमारा होता है 190, 190 प्लस 6, 2 इंटू 3 6 होता है, तो यहाँ लिख देते हैं 190 प्लस 6 इंटू 6। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 196 इंटू 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 9 ज़ा 54, और प्लस 3 57,
5 कैरी, 616 और 5 11, तो 1176 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा जो इसके बाहर बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो केस है इसमें जो पाथ बनेगा वो रेक्टेंगल के इनसाइड बनेगा, तो हमारे पास एल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी ब्रेथ को और डब्लू जो पाथ की चौड़ाई है। लेकिन इस केस में हमारे पास जो पाथ है वो रेक्टेंगल के अंदर की साइड बन रहा है, इनसाइड बन रहा है, तो एरिया ऑफ पाथ का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एल प्लस बी माइनस टू डब्लू इंटू टू डब्लू। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है, अ पेंटिंग इज पेंटेड ऑन कार्डबोर्ड 19 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 14 सेंटीमीटर ब्रेथ सच दैट देयर इज़ अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि एक पेंटिंग पेंट करनी है कार्डबोर्ड पर जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 19 सेंटीमीटर, ये 19 सेंटीमीटर हो गया हमारा। ठीक है, और ब्रेथ कितनी दे रखी थी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और मार्जिन जो है वो कितना लेना है 1.5 सेंटीमीटर, मार्जिन तो अंदर की साइड होगा, तो ये जो दे रखा है इसकी ये जो चौड़ाई दे रखी है मार्जिन की वो कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास L दे रखा है, लेंथ दे रखा है 19 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, और जो मार्जिन है उसकी जो चौड़ाई दे रखी है W वो दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया फाइंड करना है इस मार्जिन का, तो इस केस में हमारा एरिया ऑफ मार्जिन या एरिया ऑफ पाथ का जो फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ मार्जिन। ठीक है, तो इसमें मार्जिन बोला है तो हमने मार्जिन लिया है, तो मार्जिन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा एल प्लस बी माइनस टू डब्लू इंटू टू डब्लू। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, एल हमारे पास कितना है, एल है 19, बी हमारा है 14 माइनस 2 इंटू 1.5, बाहर भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.5, तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 प्लस 14 कितना होता है 33 माइनस 2 को अगर 1.5 से करेंगे 3 हो जाएगा इंटू 3, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 33 माइनस 3 30 हो गया इंटू 3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो मार्जिन है ग्रीन पोर्शन जो है इसका एरिया कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।